सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजसी पढ़ाई का सेंटर। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, मैं यहाँ पे 10th यूपी बोर्ड की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनका जो ब्रीफ अकाउंट होता है वो आप सभी को देती हूँ। तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन जो पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी वन वेरिएबल में, फॉर एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। पर यहाँ पर आप जो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें आपको दो वेरिएबल्स दिए जाएंगे, उनकी दोनों की सेपरेट वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो वो लीनियर इक्वेशन पढ़ने में कुछ अलग एक इंटरेस्ट देगा। इससे ही एक मिलता जुलता टॉपिक जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें आपका एक ही वेरिएबल होता है पर उसकी पावर जो हो जाती है वो 2 हो जाती है, जिससे उस एक ही वेरिएबल की दो वैल्यूज निकल के आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है जो हमें आज पढ़ाया जाएगा, वो भी टू वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हम उसको बोलते हैं व्हेन वी हैव अ प्रॉपर सेटिस्फाइड when we have a proper satisfied equation, proper satisfied equation consist of two variables of true values। यहाँ true values का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे imaginary numbers ना हो, इमेजिनरी नंबर्स जो हमें मतलब हम केवल जिनको हम जान सकते हैं, मतलब जैसे जिनको हम केवल सोच सकते हैं कि शायद वो हो सकते हैं। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो वो आपका डिस्कशन एक अलग टॉपिक होगा, उसमें डिस्कशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th में इमेजिनरी नंबर्स। तो इन इमेजिनरी नंबर्स में क्या होता है कि आप जो मतलब वैल्यू को सोचते हैं, एक वैल्यू फिक्स नहीं होती है पर आप इसको एट अबाउट अप्रोक्स मानते हैं, तो उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में क्या होता है कि आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन होती है जिसमें एक सेटिस्फाइड वैल्यू हो जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और जिनकी ट्रू वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये लिख दिया 2x, फॉर एग्जाम्पल 2x plus 4y equal 10, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया, तो हमारी ये प्रॉपर सेटिस्फाइड इक्वेशन कैसे होगी कि x और y की वैल्यू कुछ ऐसी आए कि जिनका हम एडिशन करें तो वो 10 हो जाए। मैंने एग्जाम्पल लिया, मेरे पास पहले से कोई सेटिस्फाइड वैल्यू नहीं है, अगर हम इसमें ऐसे कोई वैल्यू लें कि उसकी वैल्यू जो है वो 10 आ जाए, x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज लें। तो आइए ट्राई करते हैं, अगर हम x की हमारी वैल्यू जो है वो 3 रख दें और y की अगर वैल्यू हम 1 रख दें तो ट्राई कर सकते हैं। अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी तो 2 × 3 + 4 × 1 = 10, 3 × 6 + 4 = 10, देन 10 = 10। तो हम ये कह सकते हैं कि x और y की ये ट्रू एंड सेटिस्फाइड वैल्यू है। ट्रू इसलिए क्योंकि ये रियल नंबर्स है और सेटिस्फाइड इसलिए क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या कह सकते हैं हम कि कोई भी इक्वेशन, एक प्रॉपर सेटिस्फाइड इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हों, जिसमें एक्स और वाई करके कोई भी दो वेरिएबल्स हों जिनकी कोई ट्रू वैल्यू हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं वो भी दो वेरिएबल्स की। तो ये कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल था। तो लीनियर इक्वेशन जब हमें पता चलती है तो अब हमें लीनियर इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है, तो हम अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन दी गई है, अगर कोई हमें स्ट्रेट लाइन दी गई है तो हम उसकी जो एक इक्वेशन फॉलो करते हैं वो कैसे फॉलो करते हैं, a1x a1 + y b1 and c1 = तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये मतलब एक रिप्रेजेंटेशन में यही हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेते हैं। अगर हम इसको और अपनी
फॉर एग्जाम्पल वाली एक जो हमने इक्वेशन ली थी 2x + 4y = 10, ये हमने लिख दिया। तो हम इसको अगर कंपेयर करें तो हम ये लिख सकते हैं कि ये और जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो आपस में कंपेयर हो सकती हैं। a1 = 2, b1 = 4 एंड c1 = 10 और x और y कांस्टेंट है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उस अगर प्रॉपर सेटिस्फाइड इक्वेशन है तो हम उसको स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर लिया क्वाड्रेंट लिया ऐसे करके कुछ, ये क्वाड्रेंट ले लिए हमने, ठीक, ये क्वाड्रेंट ले लिया, ये क्वाड्रेंट ले लिया, ठीक। अब 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4 ठीक। अब हमने पीछे वैल्यू यहाँ पे इसकी निकाली थी 3 और 1, ठीक। अगर हमने यहाँ से x से 3 ले लिया और यहाँ से 1 ले लिया तो यहाँ कुछ होगा, ये जो पॉइंट होगा ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा होगा। ऐसे अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये जो होगा ये इस इक्वेशन को सॉल्व मतलब रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा रिप्रेजेंट, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो प्रॉपर है सेटिस्फाइड है और ट्रू वैल्यू है जिसकी वेरिएबल्स के पास, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंटिल उसकी कोई ट्रू वैल्यू हो। अगर उसकी कोई ट्रू वैल्यू नहीं है, वो इमेजिनरी वैल्यू है, तो हम उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब हम कह सकते हैं कि अगर हमें दो वैल्यू निकालनी है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू, अब हम कहें कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है लीनियर इक्वेशन की, अगर हमें ये 2x + 3y = 10 दे दिया जाए, सॉरी 4y = 10 दे दिया जाए फॉर एग्जांपल में, अगर हमें ये इक्वेशन दे दी जाए तो हम क्या इस पे अपने मन से कोई मतलब लगा सकते हैं। अगर मैंने अभी सोच लिया बाय चांस कि x = 3 एंड y = 1 = 10 हो सकता है अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये तो मैंने केवल सोच लिया, मुझे मतलब स्पॉन्टेनियसली याद आ गया, लेकिन क्या एग्जाम में आप लोग सोचेंगे, क्या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सोचेंगे, क्या इतनी सिंपल इक्वेशन आपके पास आएगी, नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा क्वेश्चन में दूसरी एक इक्वेशन और दी होगी, मतलब जैसे फॉर सपोज मतलब मैं सपोज के लिए ले रही हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, 3x + 2y = 3 = 11 फॉर सपोज, ओके मैंने ये इक्वेशन ले ली। अब अगर हम इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जब हमारे पास दो इक्वेशन है तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए एक तरीका आ गया कि हम इनमें कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है। ये दोनों इक्वेशन में एक्स और एक्स की वैल्यू सेम रहेगी और यहाँ पे दोनों वाई की वैल्यू सेम रहेगी। कैसे निकाल सकते हैं, उसके दो मेथड होते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। तो इसके दो मेथड क्या क्या होते हैं, जो इनको कॉमनली बोलते हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड्स। क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अच्छा आप लोग के अब स्कूल में आपको पता चलता होगा कि ये मैम सब्स्टिट्यूशन में आई हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, कि मतलब उसको हटा के दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। अभी मैंने पीछे एग्जांपल्स में दो इक्वेशन ली थी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दोनों में वही काम आएंगी, 2x + 4y = 10 और 3x + 2y = 11, ठीक, ये दो इक्वेशन ली थी। अब मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करके और इस x में रख दूँ तो क्या होगा, अगर मैंने 2x + 4y से ये करा, x की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड कर ली 4y / 2, ये मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक।
अब मैंने इसी x की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में फॉलो करा दिया, 3x प्लस 2y इक्वल 11। अब मैंने इस x की जगह इस वैल्यू को रख दिया, 3 इंटू 10 माइनस 4y अपॉन 2 प्लस 2y इक्वल 11। ठीक, ये हमने इक्वेशन फॉलो करा दी अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। ओके, तो हमने क्या काम किया, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो पूरी इक्वेशन होगी वो y में सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। y से हम यहाँ की इसकी वैल्यू निकाल के इससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब इससे हमने y की वैल्यू निकाल ली तो हम इस इक्वेशन पुट कर दें, इसमें पुट कर दें या इसमें कोई पुट कर दें, कहीं से भी हम पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मैथड। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मैथड। अब दूसरा जो मैथड आता है वो होता है एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड क्या होता है? एलिमिनेशन मैथड, ये मैथड जो होता है, एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, हटाना किस चीज को, हटा दो इसको, यहां से बाहर निकाल दो। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या किया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अब हम इन दो इक्वेशन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे जिनका इसमें से या तो ये टर्म दोनों सेम हो जाए या तो ये टर्म दोनों सेम हो जाए, आपस में कट हो जाए और दूसरे इक्वेशन से इनकी वैल्यू आ जाए। अच्छा, हम यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 6x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 30, और अगर यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करते तो 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 44। ठीक, अब हम अगर इनको माइनस कर दें तो यहाँ पे कुछ बन सकता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनसे यहाँ पे कुछ आएगा, इनसे यहाँ पे कुछ आएगा, y की वैल्यू निकल सकती है। y की वैल्यू अगर आ गई फिर हम उसको x की वैल्यू में रख के, मतलब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दी, इसमें रख दी, इसमें रख दी, इसमें रख दी या इसमें रख दी, किसी भी एक इक्वेशन में रख दी, तो वहां से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इस मेथड को बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो मेथड होते हैं ये किस लिए होते हैं, कि हमें x और y की वैल्यू पता चल सके, एक सेटिस्फाइड वैल्यू पता चल सके। x और y की जो वैल्यू आएंगी वो कांस्टेंट आएंगी, फॉर दिस सम ओनली, सिंगल सम के लिए x और y की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, दूसरे सम के लिए x और y की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक, अब हमने इस मेथड से वैल्यू निकाली, और हमेशा हमें लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए होंगे और दो ही इक्वेशन दी होंगी, क्योंकि अगर हमारे पास एक वेरिएबल होता तो हम एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन की एटलीस्ट जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये हमारे पास दो मेथड थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। जो आपको सुटेबल होता है वो करिए, जो जिसमें, लेकिन दोनों में बस ध्यान क्या रखना है कि किसकी वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है और किसमें पुट करनी है। ये जो मेन जो आपके मतलब फर्स्ट स्टेप थे वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी कि समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या हमें उनमें करना होता है, कैसे उन क्वेश्चंस को समझना होता है। इन क्वेश्चंस में ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर इनकी थ्योरी जो होती है, जो इनकी थ्योरी होती है वो समझना बड़ी बात होती है। जो इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनकी लैंग्वेज को समझना कि आखिर वो बोल क्या रहा है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें x की वैल्यू कौन से मतलब किस कांस्टेंट के साथ हमें x लेना है, किस कांस्टेंट के साथ हमें y लेना है। ठीक, अच्छा एक बात और बता दूं सबके रिमाइंड के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये इक्वेशन ली थी तो यहाँ पे ये वेरिएबल होते हैं और ये 2 और 4 और 10 जो लिखे हैं ये कांस्टेंट होते हैं। मैं आप मेरा काम बताना है आपको, कोई ये मत सोचिएगा कि ये इतनी बेसिक सी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मेरा काम आपको बताना है तो मैं बताऊंगी। x जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं x कांस्टेंट है, नहीं, x y वेरिएबल होते हैं, 2 4 10 जो भी रियल नंबर आते हैं वो जो होते हैं आपके कांस्टेंट होते हैं, कोई भी जो अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक, तो आज के साथ हमारा यही वीडियो खत्म होता है। होप यू गाइस लाइक द वीडियो।
तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपके सब्सक्राइबर्स की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते देती रहूँगी और आपको सारे टॉपिक्स का एक ब्रीफ अकाउंट दूंगी। जो भी मुझे आपको समझ ना आए मेरी बताई बात, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो में क्या गलती है और मुझे क्या सुधारना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जिसके आपको एक एक्सपीरियंस फील होगा। सो बाय बाय।